मॉर्निंग फ्रेंड्स, रात को काफ़ी बारिश हुई। कल बारिश ने खूब परेशान किया, लेकिन अब मौसम ठंडा हो गया है और आज मुझे बालोत्रा जाना है स्वीटी चाव चाव जो ब्रीड है उसे के घर पहुंचाने के लिए ड्रॉप सर्विस के अकॉर्डिंग। और आज हम बात करेंगे कि अग्रेसिव डॉग को घर पर कैसे मिलाएं, या घर पर कोई भी आते हैं विजिटर तो अपने डॉग्स उन पर भौंकने लग जाते हैं, उस कारण से हम उन्हें मिला नहीं पाते हैं, या वो आगे वाले डर जाते हैं, या हमारे डॉग्स उन पर अटैक कर देते हैं, ये सब हो तो क्या करें, कैसे करें, उसका जवाब आज इस वीडियो में देता हूं मैं। देखिए, अगर आपके पास अभी डॉग छोटा है तो आप आराम से मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि डॉग बड़ा हो चुका है और अब वो सोशलाइज किया हुआ भी था, लेकिन अब वो अननोन को बाइट कर लेता है, घर पर किसी को आने नहीं देता, तो उस चीज़ में कैसे हैंडल करें? आपको करना कुछ नहीं होगा, मार्केट में नोज़ल मिलती है, कैसे ना कैसे नोज़ल लाओ, उसे पहनाओ और उसे टाई कर दो। अब उसे जैसे ही वो अपने पंजों से नोज़ल को हटाने लगे तो एक डंडी रखो पास में और मना करो, नो करो, 3-4-5 बार नो करो, फिर सडनली किसी अननोन को अंदर लेके आ जाओ। जैसे अननोन को अंदर लेके आओगे तो हो सकता है आप वाला डॉग उसके भाग कर बाइट करने की कोशिश करे, लेकिन नोज़ल पहनने के वजह से वो बाइट नहीं कर सकेगा। और ऐसे बंदे को अंदर लेके आओ जो डॉग से थोड़ा कम डरता हो, ज़्यादा डरने वाला फिर इधर उधर भागेगा करेगा इस वजह से भी, क्योंकि जब डॉग्स ऐसे आता है मारने के लिए तो उस समय माइंड काम नहीं करता है और कुछ ना कुछ उल्टे काम करने लग जाते हैं, उससे और ज़्यादा बाइट लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो नोज़ल पहना के सबसे मिलाएं पहले, तो सोशलाइज होने में आसानी रहेगी। दूसरा, उसे घर के बाहर लेके जाके लोगों से मिलाएं, जिससे उसकी हिम्मत में थोड़ी कमी रहेगी तो वहाँ वो अटैक करने का नहीं सोचेगा, घर में जितना करने का सोचता है। अगर नोज़ल पहना के ये चीज़ ट्राई करते हैं तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो ही जाएगी हमारी। और दूसरा, डॉग को उसे स्मेल करने में और थोड़ा थोड़ा ऐसा स्मेल कर कर करके 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन इस टाइप से ट्राई करेंगे तो वो थोड़ा काम डाउन हो जाएगा, उसे नॉर्मल लगने लग जाएगा। इस टाइप की प्रैक्टिस कम से कम 15 दिन अगर आप करें तो हो सकता है आपके डॉग में बहुत सुधार आए। अब हम सभी डॉग को इस तरफ छोड़ने जा रहे हैं। इसकी तबीयत ख़राब थी लेकिन अब एकदम फर्स्ट क्लास है। मैक्स, ये मैगी, ये पिको। पिको अंदर नहीं जाना, चले इधर। पिको कम हियर फास्टर। ये आया एरो, ये आ गया, ये 8 तारीख को चला जाएगा। इसके ओनर का कॉल आया था और वो चाहते हैं इसे 20 दिन से ज़्यादा ना रोका जाए इस समय, तो जैसे उनकी अच्छा लगे उनको। हमारा काम तो ट्रेन करना है, कभी भी भेजेंगे तो कर देंगे। जैसे जैसे टुकड़ों में आएगा वैसे वैसे ये दिन ज़्यादा लेने लग जाएगा, क्योंकि ये उसको अपना घर मानने लग जाएगा तो और आराम से करने लगेगा काम। सारे डॉग्स को छोड़ा जा रहा है अब ना, सब इस कंटेनर में और उस तरफ वॉक रहे हैं ना। ये आ गया है विस्की। विस्की अकीता ब्रीड है, अकीता जोधपुर में बहुत कम ब्रीड ही है। वैसे लोग अकीता को भी डेंजर बोलते ही है ना, अकीता डेंजर ब्रीड है वगैरह, लेकिन ये बच्चा तो सीधा साधा है। और ऐसी बात नहीं है कि ओनर के सामने इसने बाइट नहीं किया, ओनर के सामने ये भी मतलब गुस्सा भी करता है, डाइट भी करता है, लेकिन हमारे सामने तो एकदम सीधा रहता है। हमने ज़्यादा मारा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता कि मारने से सारे डॉग सीधे जाते हैं या मारना ही एकमात्र विकल्प रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रीड कोई सी भी हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो रॉटविलर हो, चाहे वो पग हो, मैं तो बोलता हूँ ये बीगल भी क्यों ना हो, बीगल भी बहुत डॉग्स को बहुत लोगों को काट चुके हैं। वो काटना कोई ब्रीड से रिलेटेड नहीं रहता है, ये सीन ऐसा रहता है कि धीरे धीरे जब डॉग अपने साथ बड़ा होने लगता है ना तो वो अपनी पहचान बनाने के लिए एक दो बार थोड़ा ऐसे मिसबिहेव करता है, उस मिसबिहेव को हम इग्नोर मार देते हैं तभी वो धीरे धीरे डेंजर बनने लगता है और फिर फाइनली ओनर्स को पहली बार काट ही लेता है। जब ओनर्स को पहली बार काट लेता है तब ओनर उसका रिएक्शन सही नहीं दे पाता, इस वजह से वो धीरे धीरे उसको हैबिट बनने लगती है, उसे और पावर आने लगती है और वो फिर हर किसी को काटना स्टार्ट कर देता है और अपना दबदबा दिखाने लग जाता है। जैसे डॉग्स में कैसे एक दूसरे को लड़के दबा के मैं ताकतवर हूँ इस टाइप से शो करते हैं वो लोग, जो बाहर के स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उसी टाइप से जो अपने डॉग्स होते हैं वो अपन के ऊपर ऐसा करके दबदबा बना के वो बताना चाहता है कि वो अपने से ज़्यादा पावरफुल है, फिर उसकी बात माननी पड़ेगी, तभी तो इस टाइप के डॉग्स बन जाते हैं।
इन्हें जब गुस्सा आता है ना तो ओनर्स क्या करते हैं, इग्नोर मारते हैं। इग्नोर, ये देखो ये घुर्रा रहा है तो मैं क्या करता हूँ, अल्ले बाबू अन्य बाबू, देख रहा हूँ, ये देखो ये क्या हो रहा है, नो बुलाना, देख रहा हूँ। अभी ये मेरे पास आया था, मेरे को पता चल गया तो मैंने इसको दूर करने के लिए पहले से डंडा ले लिया तो ये भाग गया। ये डर होना जरूरी है, ये डर ओनर के पास नहीं है तभी तो ये बहुत डॉग्स को, बहुत लोगों को काट चुका है ना। तो सीन होता ये ऐसा नहीं है, ये अब मुझसे ना डर की वजह से प्यार करा रहा है। ये देखो गुर्रा रहा है क्योंकि डरा हुआ है मुझसे, इसलिए गुर्रा के प्यार करा रहा है। नवाब अब्रो, अब ऐसे ऐसे में गुर्रा के फाइट भी हो जाती है। डॉग्स को डर जरूर होना चाहिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जब वो छोटा हो तब उसको कंट्रोल कर लीजिए आप। अगर कंट्रोल नहीं कर पाते तो उस दिन जरूर पनिश करें जिस दिन वो फर्स्ट बाइट करे अपनी लाइफ की। जब फर्स्ट बाइट करे उस समय अगर आप उसे सही नहीं समझा सकते हैं तो वो बाइट का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है और वो कंटिन्यू रहेगा। अगर आप उसे बरोबर उस समय पनिश कर दोगे या उसे बरोबर समझा दोगे कि ये जो तूने किया ये बहुत बहुत ही गलत है, तो उसके बाद हो सकता है उसके वो स्पीड में कमी आए या हो सकता है वो काम ही छोड़ दे बाइट करने का। तो ये फर्स्ट टाइम में करना जरूरी होता है। फर्स्ट के बाद 2-3 बार अगर हमले कर चुका है तो फिर ओनर्स की कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अब ओनर उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे ट्रेनर के थ्रू ही हैंडल किया जाएगा। ठीक है, ओके। आप गबरू को देखो, लड़की के चक्कर में पूरा पागल हो रखा है और साथ में ये बर्फी सब इस स्वीटी के चक्कर में पागल। और वैसे स्वीटी आज चली जाएगी, यही स्वीटी है जो चाऊ ब्रीड है और बालोतरा से है, तो हो सकता है आज मैं जैसे बालोतरा लिख के जाऊं। ना गबरो, ठीक है। एंड कितनी देर से इनको यहाँ छोड़ा हुआ है लेकिन भूल गए कि इस रूम से निकालना है। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है, निकालो, अब निकल रहे हैं। ये भी भौंकना बंद कर दिया था तो पता ही नहीं चला। तीनों हमारे ही डॉग थे इसलिए इन्होंने भौंका ही नहीं, मतलब चिंकी हमारी तो नहीं है लेकिन हमारे जैसी ही है समझो। आते ही चिंकी मस्तीखोरी में लग गई और गबरू चिल्लाने में लग गया कि मुझे भी छोड़ो, मैं भी चिंकी के साथ मस्ती करूंगा। और चिंकी तो बस आते ही किसी को ही नहीं छोड़ेगी, सबके साथ मस्ती करेगी। इसे देखो कैसे खड्डे को और चौड़ा करके आराम से अपने बैठा है। लो इसको भी उठा दिया। चिंता पूरा है, चल ठीक है, अब नाश्ता देता हूँ, फिर मेरे को निकलना है।